नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। फिलहाल खबर जनपद बुलंदशहर से है, जहां निवेशकों का पैसा कांग्रेस डूबने नहीं देगी, ऐसा कहना है शिवपाल सिंह का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर ने निवेशकों की डूब रही रकम को लेकर धरना प्रदर्शन करके उप जिलाधिकारी बुलंदशहर मधुमिता जी को ज्ञापन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवपाल सिंह ने की और संचालन आदर्श देव शर्मा ने किया। बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि सहारा पर्ल और कई कंपनियों में काफी लोगों ने अपनी कमाई की जमा पूंजी को निवेश किया था, मगर इन कंपनियों में फर्जीवाड़ा है। कोई कंपनी ही फर्जी है और किसी कंपनी में डायरेक्टर ही फर्जी हैं, और इन लोगों की निवेश की भी धनराशि को ये कंपनियां वापस नहीं कर रही हैं। शिवपाल सिंह ने बताया कि कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और काफी लोग आत्महत्या की कगार पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इन कंपनियों में इस उद्देश्य के साथ निवेश की थी कि बेटियों की शादी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए यह राशि बढ़कर मिलेगी, तो हम अपनी बेटियों की शादी और बच्चों के भविष्य में उस पैसे को लगा पाएंगे। मगर आज उनको बढ़ा हुआ पैसा तो दूर की बात है, उनको अपना मूलधन ही वापस नहीं मिल रहा है, जबकि कोर्ट भी आदेश कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। आज के धरना प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एक इंसान होता है, गरीब चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे कोई भी हो, अपने पैसा को बहुत मेहनत से कमाता है, चाहे वो आप ही हो, ठीक है ना। और अगर आपकी मेहनत का एक रुपया भी कहीं जाता है तो उसका भी इंसान को दर्द होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इनके मालिक हैं, इनको नहीं उनका दर्द समझ आ रहा है, और ना ही चीज़ें सरकार को समझ आ रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से भी और उन कंपनियों के मालिक से भी, उन लोगों के बारे में सोचो जो अपने बच्चों के पेट काट काट कर उनको पैसे देते हैं, उस पैसे को वो हजम करके बैठ जाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ भैया, गरीबों की और मजदूरों की और जो अपने पेट काट काट के पैसे दिए, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है, धरना देती रहेगी और आवाज उठाती रहेगी, और हम हमेशा इन लोगों के साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस का एक बड़ा धरना प्रदर्शन था, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जो ये FD और RD के लिए, जिसमें लोग अपना पेट काट काट के पैसा जमा करते हैं, कि जो मतलब इतनी मेहनत की कमाई लोगों की होती है, मुश्किल से वो पैसा जोड़ते हैं, उसमें जमा करते हैं, जो वो एक तरह से मैच्योर हो गए, उसके बाद तो उनका पैसा उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन वो पैसा ही नहीं मिल रहा लोगों का। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए हमारी प्रियंका जी ने कहा है कि इनके साथ हमें तन मन धन से खड़े रहना पड़ेगा, और हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, हम इनका पैसा दिलवा कर ही करें। प्रियंका जी का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको आप किस नजरिए से देखते? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है। वही इंदिरा जी भी महिलाओं को बहुत प्रेफरेंस देती थी और आगे बढ़ाती थी। उन्होंने एक योजना चलाई थी महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, बाल विकास की, वो इसीलिए चलाई गई थी कि महिलाएं देश की मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन ये सरकार उसको भी ख़त्म करना चाहती है। और वैसे ही प्रियंका जी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, और जो क्योंकि महिलाएं देश की आदियाबादी हैं, तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। महिलाओं से अच्छा कोई मैनेजर नहीं हो सकता, कि महिलाएं जब अच्छे से घर चला सकती हैं तो देश क्यों नहीं चला सकती। धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मकसद है, किस बात को लेकर? फिर देश के हालात अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। और उसी इंसानियत को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जो निवेशकों का उत्तर प्रदेश की कई कंपनियों पर पैसा डूबा हुआ है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी की कमाई इस नीयत से लगाई थी कि उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कुछ बढ़कर मिलेगा, मगर दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीका से सरकार पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को जिस तरीका से संरक्षण दे रही है, उनकी अपनी ईमानदारी की कमाई उनकी खतरे में पड़ गई है। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने उन निवेशकों का दर्द महसूस करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आदेश भेजा कि उन भाइयों का, बहनों का पैसा उन कंपनियों से सरकार वापस दिलाने का काम करे। सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी निर्देश दे चुके हैं कि संपत्तियों को जब्त करके इन निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, मगर सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार इन पूंजीपतियों से मिली हुई है। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, अभी भी कई लोग आत्महत्या करने के कगार पर हैं। ये सरकार एक तरीका से इतना बड़ा अपराध कर रही है, इतना बड़ा पाप कर रही है कि किसी के बच्चों को भूखे मारने पर ये मजबूर कर रही है,
इसी मुद्दे को लेकर के कंपनियों में दबा हुआ पैसा निवेशकों का वापस मिलना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे थे। शिवपाल सिंह ने कहा कि सरकार इन पूंजीपतियों को फर्जी कंपनी चलाने वालों को अपने दोस्तों को संरक्षण दे रही है। इन निवेशकों का दर्द कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महसूस किया और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर आए हैं और कांग्रेस इन निवेशकों का पैसा वापस दिलाकर ही दम लेगी। शहर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की हितैषी है, आम लोगों की उसे कोई परवाह नहीं है और इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शिवपाल सिंह जिलाध्यक्ष बुलंदशहर, प्रशांत वाल्मीकि शहर अध्यक्ष, देवेंद्र राजा, महेश शास्त्री, देवेंद्र एडवोकेट, सुभाष गांधी, मुनीर अकबर, दुष्यंत गुप्ता, करणवीर सिंह सिरोही, सावित्री चौधरी, सुशील चौधरी, रेखा शर्मा, विमलेश वाल्मीकि, देवरंजन नागर, राकेश भाटी, गीता शर्मा, इजराइल गहलोत, अदील चौधरी, नाजमी चौधरी, देवेंद्र शर्मा स्याना, वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट, साजिद चौधरी, अरविंद प्रधान, बिट्टू गुर्जर, शाहिद नकवी, शकील अहमद, आदर्श देव शर्मा, ऋषि गौतम, पवन कुमार शर्मा, चौधरी ऋषिपाल सिंह, रामचंद्र फौजी, आस मोहम्मद कुरैशी, आरिफ कुरैशी, मोइन खान, रवि जाटव, रहमत राणा, शाह फैजल, रामपाल शर्मा, खुशनसीब, रिजवान, सुमित, नरेंद्र पंडित, गजल शर्मा, राजेंद्र सागर, हनीफ पहलवान, नानक चंद, केफी फैसल, अमित चौधरी, नितेश भारद्वाज, रवि कुमार लोधी, नरेश कुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। इस खबर में इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।